हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना सोनी और मेरे इस चैनल इजी ड्राइंग एंड क्राफ्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम र से रथ की पिक्चर बनाएंगे। इसके लिए आप बच्चे को र से रथ का व्यंजन बनाने को कहेंगे तो बच्चा इस प्रकार से रथ का व्यंजन बना देगा। इसके बाद आप बच्चे को टू सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहेंगे। अब आप देखेंगे बच्चा टू सर्कल कैसे ड्रॉ करेगा। नंबर वन सर्कल, अगेन नंबर टू सर्कल। जब ये नंबर दो सर्किल बना देगा उसके बाद में हमें इसके अंदर एक सर्किल वापस से बनाना है अंदर के साइड में। इस तरीके से दो सर्किल बनने के बाद बीच में हमें डॉट के पहले इस तरीके से पहिए का शेप देना है और फिर बीच के अंदर हमें इसको डॉट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको पहिए का शेप दे देंगे। पहिए का शेप देने के बाद में यहाँ से आप इसको ऐसे मिलाएंगे, वन एंड टू लाइन, फिर इधर से भी वन एंड टू लाइन। ये दो लाइन होने के बाद यहाँ से इस जगह से हमें इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करना है। देखिए आप ये ड्रॉ करने के बाद हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। जब ये इस तरीके से मिल जाएगा उसके बाद हमें इसमें कुछ डिज़ाइन देना है। इस तरीके से देखते जाइए आप कि मैं कैसा डिज़ाइन बना रही हूँ। जब ये डिज़ाइन हो जाएगा तो हमें इसको अंदर से इस तरीके से फिल करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसा फिल कर रही हूँ, इस प्रकार से। जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद अब हमें यहाँ से ये जो शेप है इसको नीचे लेके आना है, थोड़ा सा ऐसे बनाते हुए इस तरीके से इसको मिलाना है। ये मिलाने के बाद यहाँ से हमें एक जो छतरी जैसा होता है, छोटा छतरी जैसा, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें इस वाले शेप को इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद में यहाँ से हमें एक बड़ी छतरी जो पूरी कंप्लीट होने वाली है हमारी, यहाँ से यूँ, और ये जो चीज़ है इसको भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। जब ये ड्रॉ हो जाएगा, मैंने आपको हमेशा बताया ड्राइंग को हमेशा पहले डॉट डॉट करके ही बनानी चाहिए, उससे हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छे से बनती है और बार बार में हमें इरेज करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप देखेंगे हमें इस तरीके का शेप देना है। जब ये हो जाएगा तो हमें इसको अम्ब्रेला का शेप देना है। ये देखिए ये बनने के बाद हमें इस वाली चीज़ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, छोटी सी पतली सी। स्ट्रेट लाइन के बाद हमें रथ के ऊपर झंडे का शेप देना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से हमने जो ये रथ बनाया था इसी के साथ हमें यहाँ आगे इसको इस तरीके से करते हुए इस शेप में यहाँ मिलाना है। फिर आगे इसका थोड़ा सा एक डंडा जैसा बनाएंगे, ये देखिए, और इसके अंदर हमें यो हल्की हल्की सी लाइनिंग देनी है जिससे हमारा ये डिज़ाइन हमें थोड़ा सा खूबसूरत सा लगेगा। ये देखिए ये कमरा। अब बच गया ये वाला पोर्शन, इसमें हमें चेक्स बनाने हैं। चेक्स आपको बहुत ईजी है। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये छतरी का जो मैंने चेक्स कंप्लीट कर दिया है, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से और ले सकते हैं। अब इसके बाद ये वाली चीज़ इसमें हमें थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए यहाँ पे हल्का हल्का सा इसके ऊपर शीट देना होगा जिससे हमारी जो अम्ब्रेला है वो कंप्लीट नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे छोटे छोटे से दो सर्कल इसके अंदर आप डाल सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमें हल्का हल्का सा शेड देना है, क्योंकि जब भी कोई ड्राइंग बनाओ और अगर उसमें आपने शेड ना दिया हो तो उस ड्राइंग का कोई मज़ा नहीं आता है। हमेशा ड्राइंग के अंदर शेड देना बहुत ज़रूरी है।
ये देखिए, तो ये हमारा रहस्य रथ कंप्लीट हो गया है। आप एक बार फिर से बच्चे से पूछेंगे, बेटा ये कौन से व्यंजन से बना है, उसके पहले आप वापस से बच्चे को ये रहस्य रथ को ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो बच्चा बोलेगा रहस्य रथ। अब साथ ही में हमें बच्चे को रथ लिखना भी सिखाना है, तो ये हमारा बन गया रहस्य रथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करके बताइए, जिससे मुझे पता पड़े कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही। थैंक यू, धन्यवाद।